बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल का आपने सेमीफाइनल देखा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लग नहीं रहा था इतना वन साइडेड होगा, लेकिन इंग्लैंड ने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को हर शोबे में। पहले अपनी बॉलिंग पार्टनरशिप में उन्होंने बिल्कुल उनके टॉप ऑर्डर उड़ा दिए। उसके बाद थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा समझदारी वाला डिसीजन था, जो उन्होंने कैरी को नंबर 5 पे भेजा था, एक टाइम ऐसा लगा कि शायद 250-300 कर लेंगे, लेकिन कैरी के एक बैड शॉट ने मतलब प्रॉब्लम करी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन एक चीज़ देखने को आई कि ऑस्ट्रेलिया नो डाउट जिस तरह उन्होंने हैंडस्कॉम को खिलाया था पहला मैच, बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनके पास जो रिप्लेसमेंट आई थी, मैं समझा शायद वेट खेलेंगे, लेकिन वो नहीं खेले, कोई बात नहीं, ये उनका अपना फैसला था। लेकिन कल के मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। मतलब 200 लग रहा था 250, लेकिन 222-223 पे जो आउट करा, उसके बाद मेरे ख्याल है जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, मतलब इस पर कोई बात करने वाली अब रही नहीं, क्योंकि सबको पता है। अब मैं चाहूँगा कि फाइनल मेरी आदत है, एक माफ़ी के साथ, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी, कि मैं पहले बात करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ बनिस्बत मैच के बाद, क्योंकि अमूमन जो थोड़ा सा तजर्बा खेलने का है या कोचिंग का है, तो चाहता हूँ कि पहले बात करूँ और वो सीखता हूँ कि आया वो चीज़ होती है या नहीं होती, तो वो मुझे सीखने का मौका मिलता है। अब जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि न्यूजीलैंड में भी वही कंडीशन होती हैं जो सिमिलर टू इंग्लैंड होती हैं, अगर बादल हो। अगर बादल ना हो तो आप कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट क्रिकेट होगी। इंग्लैंड ने राउंड के मैच में न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराया था, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था साउथी को खिला के। मेरा ख्याल है कल साउथी नहीं खेलेगा। न्यूजीलैंड का जो वीक लिंक है वो है 5वां बॉलर, याद रखिएगा। उनकी बैटिंग छोटे छोटे पीसेस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिवाय विलियमसन और टेलर की कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दूसरे वालों की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो कल के परसों के बिग फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें। ख्वाहिश ये होगी कि टॉप ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म करें तो मैच अच्छा देखने को मिले। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस तरह इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पे हावी थी ऑन पेपर ऑन परफॉर्मेंस, मैं अभी भी ये कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम फार बेटर है न्यूजीलैंड से, लेकिन फाइनल का प्रेशर ज़्यादा जो होगा वो इंग्लैंड पे होगा, क्योंकि इंग्लैंड का होम ग्राउंड है। एडवांटेज नहीं होता होम ग्राउंड का, टेस्ट मैच हो रहा हो या होम सीरीज हो रही हो तो एडवांटेज होता है। बड़े नॉकआउट इवेंट पे, बड़े वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें मेरे ख्याल है प्रेशर इंग्लैंड पे होगा। अब मुझे ये देखना है कि न्यूजीलैंड के जो तीनों टॉप क्लास बॉलर हैं, आया वो क्या प्लानिंग करते हैं जैसन रॉय के लिए, बेरेस्टो के लिए और मॉर्गन के लिए, रूट के लिए, बटलर के लिए, बेरेस्टो के लिए, क्योंकि ये वो बैटिंग लाइन है जिनका मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है इंग्लैंड का। पूरे टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के अंदर किसी के मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जितना इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करा है। कल के मैच में एक जो मुझे माइनस पॉइंट नज़र आया वो था मॉर्गन का बाउंसर्स पे जिस तरह वो सर्वाइव कर रहा है, वो थोड़ा सा सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है अगर मॉर्गन की बारी आती है तो फर्गुसन वगैरह इसका बिल्कुल एडवांटेज उठाएंगे। कैप्टनसी का अगर आप मुझसे पूछें तो मैं विलियमसन को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा, जितना वो कूल है नो डाउट दुनिया पे रूल करा है इंग्लैंड ने, वो हमेशा बड़े अच्छे प्लानर रहे हैं। लेकिन मॉर्गन ब्रिटिशर नहीं है, मेरा ख्याल है वो आयरिश है, तो ये कल की परसों की कैप्टनसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। लेकिन बात वही है कि कौन टाइम से फ़ायदा उठाता है वो फाते होगा। आई गो विद इंग्लैंड, और जो चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह परसों मैच के बाद फिर बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।